अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं कश्यप आपको आज फिर अपने चैनल में एक बार फिर से खुश आमदीद करती हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मौसमी फलों को मैंने सामने रखा हुआ है, मौसमी फल आया हुआ, तो इससे आप भी फ़ायदा उठाएँ। जैसे कि आपने मेरे हैंड्स देखे होंगे, बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए, दुनिया की गहमा गहमी तो चलती ही रहेगी। अब मैं थोड़ी सी रेमडीज़ जो अपने ऊपर यूज़ करने वाली हूँ, सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ। चलिए तो मैं आज बनाना वाइटनिंग फेस मास्क बनाने लगी हूँ। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जो आपने देखा कि मैंने सबसे पहले बनाना को पिल ऑफ करते हुए छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया, छोटे-छोटे टुकड़ों में उनको काट लिया है मैंने, और जी चम्मच के ज़रिए मैंने उनको मैश कर लिया। अगर आपके पास है ना ग्राइंडर तो उसमें आप ग्राइंड कर सकते हैं, मेरे पास भी अवेलेबल है, लेकिन मैं रात को वीडियो शूट कर रही थी, लोगों की नींद खराब हुई, घर वालों की, इसलिए मैंने स्पून के साथ ही बैठ कर तसल्ली से उसको मैश करती रही हूँ। और जी आपने करना क्या है, मैश अच्छे तरीके से करना है ताकि वो फेस से टपकता ना रहे। मैं हैंड पर अप्लाई करके आपको दिखाऊँगी। और जी बनाना में क्या क्या पाए जाते हैं, कौन से विटामिन पाए जाते हैं। बनाना में विटामिन ए बी से भरपूर होता है, और जो है इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट्स मैं खुश्क मिल्क यूज़ करूँगी, तीसरा हनी, चौथा इसमें मैं ऐड करूँगी दही, लेमन मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, लेकिन लेमन जो है एंटीसेप्टिक होता है। अब जो बनाना है विटामिन ए बी से भरपूर होता है, और दूसरा जो है पोटेशियम एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये वर्क क्या करता है, ए और बी जो है स्किन को ग्लैमशीज और डार्क स्पॉट को लाइट करता है, और दूसरे नंबर पे जो है पोटेशियम एंटीऑक्सीडेंट वाला वो जो है स्किन को हेल्दी ग्लोइंग बनाएगा। अब हमने करना क्या है, मैंने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, दो स्पून मैंने बनाना पेस्ट के लिए है, 1 टीस्पून मैंने मिल्क पाउडर डाला, 1 टीस्पून मैंने हनी डाला, थोड़े थोड़े से मैंने ऐड किया क्योंकि मैंने आपको सैंपल सिर्फ देना था। और जी उसके बाद मैंने दही उसमें ऐड किया, मेरी स्किन सेंसिटिव है तो इसलिए मैंने लेमन उसमें ऐड नहीं किया। दही लैक्टिक एसिड है, हनी में एंटी बैक्टीरियल होते हैं, हर पौधे के इसमें कंपाउंड होते हैं, वो होते किस तरह से कि शहद की मक्खियां हर पौधे पर जाकर रस जमा करती है, इस वजह से हर पौधे को उसमें कंपाउंड होता है। लेमन में एंटीसेप्टिक होता है, ये ब्लीचिंग का काम करता है, हमारी स्किन में ग्लो लाता है, और ये जो मास्क है ये हमारी पिगमेंटेशन को दूर करेगा और हमारे फेस पर बेस्ट वर्क करेगा, स्किन को ग्लो देगा। और ये फेस मास्क आप ट्राई करके ज़रूर बताइएगा इसका रिज़ल्ट आपके कैसा आता है। मेरे हैंड पे तो आपके सामने नज़र आ रहा होगा कि सही रिज़ल्ट आया है। इसको लगाना कितनी देर है, जब ड्राई हो जाए ड्राई होने पर हमने धो लेना है। और जी इसको हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है। ये थी मेरी छोटी सी कोशिश, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने प्यारों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, उससे क्या होता है कि इंसान का हौसला बढ़ता है। चलें तो इसी के साथ आपकी बहन कश्यप इजाज़त चाहती है, दुआ में याद रखिएगा और अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। चलें तो इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, और उससे क्या होता है कि थोड़ी सी सुकून महसूस होता है। चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।